गुड मॉर्निंग, हेलो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे बच्चे, कैसे हो सभी? बढ़िया में? आज हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो अभी तक हमने देखा वो वेद के मंत्र थे। अभी हम जो देखने वाले हैं श्लोक होंगे। श्लोक का मित्रों अलग अलग राग है, अलग अलग राग में अलग अलग ढंग से इसे हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पहला वाला श्लोक है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहले उसको हम एकदम टोन में एक राग में बोलेंगे, ठीक है? किस तरह से इसको बोलते हैं तो आप ध्यान से सुनिए और घर पे आपको भी बोलना है ये देख के। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै शांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्याना वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तन्न विदुषुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। कैसा लगा फ्रेंड्स? श्लोक एकदम बढ़िया वाला लागे और उसी राग में इसका मीनिंग भी कुछ वैसा ही होता है। हम इसका मीनिंग जो है, इसका जो अर्थ है, आज वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहली लाइन में बताया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। यम ब्रह्मा मतलब कि जो ब्रह्मा है, वरुण, वरुण देव है, जो पानी के देव है, उसमें संधि छुटी होती है, मतलब संधि अलग तरह से हमें देख सकते हैं, वो है वरुण प्लस इंद्र, वरुणेन्द्र। स्तुनवंती दिव्य स्तवय, उसके बाद रुद्र, रुद्र मतलब के भगवान शिव, और मरुत मतलब के अन्य देवो। स्तुनवंती दिव्य स्तवय ही, वो सभी दिव्य स्तोत्र वाले स्तुति कर रहे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और आदि सभी देव स्तोत्र के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। अपने वैसे हम बोलते ना वो ब्रह्मा वरुण इंद्र एंड अदर, जिसे बराबर प्रेज, वो भी सभी लोगों की, जो भी बड़े देव है उसकी स्तोत्र द्वारा स्तुति कर रहे हैं। स्तोत्र किसे बोल रहे हैं? कि हम सभी वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, श्लोक वगैरह आते हैं, उसे हम स्तोत्र बोलते हैं। दूसरी लाइन में क्या बताया फ्रेंड्स यहाँ पे? वेदै ही सांग पद क्रमोपनिषदै ही गायन्ति यम सामगाहा। जो लास्ट वर्ड इसमें दिया है सामगाहा, मतलब जो वेद है, हमारे वेद कितने हैं? चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे बात बताई कि जो सामवेद है वो सामवेद के मंत्रों द्वारा जो ऋषियों है वो वेद ही, एटले वेदों द्वारा, सांग मतलब के वेदांग, वेदांग कितने हैं? छे वेद है और वेद के अंग छे है। उसके बाद पद, पद मतलब पद पाठ, मतलब ये सभी जो हम चैप्टर मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो। उसके बाद क्रम पाठ, क्रम पाठ मतलब के हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो लाइन टू लाइन चलते हैं ना, इस तरह से क्रम पाठ। और उपनिषदों सहित वेदों के साथ गान कर रहे हैं। हमारे जो ऋषियों है वो सामवेद के साथ सभी वेदों को लेकर, वेद, वेदांग, उपनिषद, पदपाठ, क्रमपाठ से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गान गा रहे हैं। थर्ड लाइन में ध्याना अवस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। और जो योगी है, जो ऋषि मुनियों है, जो योगी अवस्था में बैठे हैं, ध्यान की अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया है, वैसे मन बड़े सभी दर्शन कर रहे हैं। हम वो हिमालयाज वगैरह की ओर चलते हैं तो वहाँ पे हमें ढेर सारे ऋषि मुनियों दिखाई देते हैं, वो सभी तप करते हैं, तो वो तप की मुद्रा में भगवान के दर्शन करते हैं। और लास्ट लाइन यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। क्या बात बताई? के वो जो सुर और असुर, मतलब सुर मतलब देवता और असुर मतलब दानव राक्षस,
ये दोनों भगवान के अंत को नहीं जानते हैं कि भगवान का अंत कहाँ पे है। वैसे दिव्य रूपधारी देव को मेरा नमस्कार हो। भाई सभी देवताओं जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी ग्रंथों द्वारा ऋषि मुनियों जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, योगियों जिसका ध्यान लेते हैं, और असुर और देवो दोनों जिसका ध्यान धरते हैं, वैसे देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा अर्थ होता है, मीनिंग होता है। उसके बाद वाला श्लोक ये भी बढ़िया वाला है स्टूडेंट्स, पहले राग में बोलते हैं, आपको भी घर पे बैठे बैठे आनंद आ जाएगा। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चय पदानाम नियंत्रो त्वमेकम परेशाम परम रक्षकम रक्षकानाम। इसे हम दूसरे राग में मजा आ जाए ऐसे राग में गाते हैं। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चय पदानाम नियंत्रो त्वमेकम परेशाम परम रक्षकम रक्षकानाम। ठीक है, बढ़िया वाला श्लोक है ये भी। क्या बात बताई इसमें, तो हम वो भी देखते हैं। फर्स्ट लाइन में देखो फ्रेंड्स, आप क्या बताया फर्स्ट लाइन में आपको, कि भयानाम भयम, मतलब जो भयजनक है उसमें भी आप भय रुको, जो भयानक है आप उसमें भयजनक है उसमें भी आप ज्यादा भय रुको, पहली बात। दूसरी बात, भीषणम भीषणानाम, मतलब जो भयानक है आप उसमें भी भयानक हो, भय रूप में आप और भय रूप हो और भयानक में आप और भयानक हो। भाई आपने डरता हो एनाथी डरावड़ू, अने जे भयानक छे एना करता पण भयानक, एम कहे छे। दूसरी लाइन में बोला गति ही प्राणी नाम पावनम पावनानम, मतलब गति ही प्राणी नाम, गति ही प्राणी नाम એટલે એનો મતલબ અહીંયા આપણને શું કીધો મિત્રો, કે છે કે જેની ગતિ, આપણે પ્રાણી માત્રની તો એક જ ગતિ છો, મતલબ જીતને ભી પ્રાણી હે ઉન સભી કે આપ એક હી ગતિ હો, વો સભી આપ એક કે પાસ હી આને વાલે હે। પાવનમ પાવનાનામ, મતલબ આપ પવિત્રો મે ભી પવિત્ર હો, જીતને ભી પવિત્ર સ્થાન હે આપ ઉસમે ભી પવિત્ર હો। પહેલે હમે બતાયા ભય મે ભી ભયા ભય રૂપ, भयानक में भी भयानक, सभी गति के प्राणी रूप, और पवित्र में भी पवित्र। उसके बाद महोच्चय पदानाम नियंत्रुत्वमेकम, महोच्चय पदानाम मतलब के बड़े और ऊंचे पद को प्राप्त करना, आप सभी सबसे बड़े सबसे ऊपर हो, और नियंत्रुत्वमेकम ओ आप ही सभी का नियंत्रण करते हो, आप ही सभी को काबू करते हो, आप के हाथ में हम सभी की जीवन की दौर है वैसा। और लास्ट परेशाम परम, मतलब आप उत्तमों में उत्तम हो, आप श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो। और लास्ट बात रक्षकम रक्षकानाम, आप रक्षकों के भी रक्षक हो, हमारा रक्षण वहां सभी ये आर्मी लोग करते हैं बॉर्डर पे, ठीक है, तो आप उसके भी रक्षक हो। तो कितनी बात बताई फ्रेंड, यहाँ पे भयजनक में और भय रूप, भयानक से और भयानक, प्राणी मात्र की एक गति, पवित्रों में भी पवित्र, बड़े और ऊंचे पद में नियंत्रण करने वाले हो, उसके बाद लास्ट लाइन उत्तम में उत्तम और रक्षकों के रक्षक हो। यह बात हमें, ये जो श्लोक है उसमें हमें बताई है। और इस चैप्टर का लास्ट श्लोक, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ये लास्ट श्लोक है, और इसमें भी बहुत ही अच्छी और एकदम समझ में आ जाए वैसी बात बताई है फ्रेंड्स। क्या बताया, वयम त्वाम स्मरामो, वयम त्वाम मतलब हम सभी लोग आपका स्मरण करते हैं, हम सभी लोग आपको याद करते हैं। वयम त्वाम भजामो,
हम सभी लोग आपको भजते हैं, हम सभी लोग आपका धुन भजन कीर्तन करते हैं। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः, हम ये जो जगत, हम ये जो अर्थ है उसके साक्षी रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। सदैकम निधानम, आप ही एक सत्य निधि हो, आप ही एक सत्य का खजाना हो। निरालंब मीशम, आप को किसी के आधार की जरूरत नहीं है, आप आधार में होने हो। भवाम भोधि पोतम शरण्यम व्रजामः, मतलब ये जो संसार रूपी सागर है आप उसको पार उतारने वाली नाव हो। शरण में क्या बोला यहाँ पे, शरण में आने के लिए हमें आप प्राप्त करिए, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, आप हमें प्राप्त करिए। भवाम बोधिपोतम, आप संसार को पार उतारने वाली नाव हो, इसलिए आप हमें हमारे शरण से, आपके शरण में ले लो। क्या बताइए, मैं आपका स्मरण करते हैं, हम सभी आपको भजते हैं, जगत के साक्षी रूप वैसे आपको हम नमस्कार करते हैं, आप ही सत्य के निधि हो, आप निरालंब, आपको किसी के आधार की जरूरत नहीं है, आप इस संसार से पार उतारने वाली नाव हो, इसलिए हमें आपके शरण को प्राप्त करना है, हमें आपको शरण में ले लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो तीन श्लोक हो गए, इससे पहले हमने तीन मंत्र पढ़े थे, इन सभी का मैं आपको एक पीडीएफ भेज रहा हूँ। वो पीडीएफ में आपको देखना है कि जिस जगह पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है वो ट्रांसलेशन लिखना है, और जिस जगह पे एक्सरसाइज लिखी है तो वो आपकी जो CW है आपको उसकी एक्सरसाइज भी लिखनी है, ठीक है। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। फ्रेंड्स तो ये हमारा वीडियो एकदम छोटा सा बढ़िया वाला सा, और ये वीडियो तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, दूसरे वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ नए जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।